क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी साथी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और एकेडमी लेट्स क्रैक इट पर। मैं विकास भास्कर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म और एकेडमी पर, जहां पर मैं आपको बैंकिंग अवंडेंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड पार्ट जो है वो पढ़ाने का कार्य करता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का है और 3 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा रहा हूँ। मोमिनी साहू, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आज के सेशन में। अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा 15 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म ही साथियों आपके लिए क्यों बेस्ट है, उसका रीजन है कि हर महीने 30 से ज्यादा कोर्स एक्सेस होते हैं, जहां टॉप 70 से ज्यादा एजुकेटर्स की टीम है वो आपकी तैयारी को बेहतर बनाती है। 98% बैंक एस्पिरेंट्स का ट्रस्ट है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से वो तैयारी करते हैं साथियों। इसके अलावा रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच है, 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैच है, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच रणवीर जे सीईटी के लिए। इसके अलावा आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम एनआईएसीएल के लिए टारगेट एलआईसी के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। आज के डाउट सॉल्यूशन बाय अन अकेडमी पर डाउट सेक्शन का नया सेशन जो है वो फीचर आ चुका है। इसके अलावा अन अकेडमी पर बैंक का कॉम्बैक स्कॉलरशिप टेस्ट में जो है वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीईटी प्रिपरेशन करने वालों के लिए बैंक एसएससी का कॉम्बो अन अकेडमी लेकर आया है अप टू 21% ऑफ, 6-6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री में आपको मिल जाता है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो मात्र 9,999 रुपए में आपको मिल जाता है। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है वो ये ऑफर है, 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड यूज करने पर। इसके अलावा साथियों बैंक आरबीआई और नाबार्ड का स्पेशल कॉम्बो ऑफर 24 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ 10,300 रुपए में मिल जाता है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अकेडमी की अगर बात करें साथियों तो इस पर विकास भास्कर कोर्स अवेलेबल है जहां पर आप डेली बेसिस पर क्लास ले सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस मिल जाती है, लाइव टेस्ट के मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिल जाता है जिसको आप अनलिमिटेड तक एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा बैंक एग्जाम के सब्सक्रिप्शन प्राइस विल बी इंक्रीज सून, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 7,020 रुपए में मिल जाता है। 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा भास्कर09 कोड यूज करने पर। इसके अलावा 10% तक कॉइन रिडीम भी करवा सकते हैं। रिपोर्ट एंड विन का नया फीचर जो है वो अनअकैडमी पर आ चुका है। जुलाई ऑफर करंट अफेयर का अनअकैडमी पर है, इसमें आप डेली बेसिस पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई महीने के इस करंट अफेयर का रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पर आ चुका है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इंग्लैंड। फटाफट आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, G20 के मंत्रियों की बैठक 2021 में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पीआर रॉयल, बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग आपका भी आज के सेशन में। सभी साथी अब सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? फ्रांस में, इटली में। ज्योति कुमावत ने भी जवाब दिया है, बाकी साथी भी फटाफट से जवाब दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी, इटली इज करेक्ट आंसर। G20 की एनवायरमेंटल समिट साथियों 2021 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? इटली में आयोजित किया जाएगा। इसी साल G20 की सालाना बैठक भी साथियों इटली में प्रस्तावित है, इटली में होने वाली है। G20 की इस बैठक को अक्टूबर 2021
21 में आयोजित जो है वो किया जाएगा। हॉस्टेड जो है वो हॉस्टिंग कंट्री इस बार कौन सा होगा, इटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इटली इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो जुलाई 2021 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। फटाफट आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो जुलाई महीने में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हिस्सा बना, शामिल हुआ, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। फटाफट आंसर दीजिएगा। नीलिमा बहुत बहुत स्वागत है, आपने स्वीडन जवाब दिया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो होगा स्वीडन। स्वीडन करेक्ट आंसर होगा। स्वीडन हैज जहां पे 17 जुलाई 2021 को इंटरनेशनल सौर संगठन अलायंस जो है उसका सदस्य बना। साथियों भारत और फ्रांस की मदद से, भारत और फ्रांस के प्रयासों से साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर संगठन की स्थापना जो है वो की गई थी 2015 में। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में जो है वो इसका मुख्यालय है। और स्वीडन जो है वो इसमें जुलाई में सदस्य देश के रूप में जो है वो शामिल हुआ है। बिल्कुल, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ए करेक्ट आंसर होगा, स्वीडन इज करेक्ट आंसर। यूग्रो कैपिटल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के लिए सह ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। फटाफट आंसर दीजिएगा। यूग्रो कैपिटल बैंक, यूग्रो कैपिटल बैंक में एमएसएमई क्षेत्र को लोन देने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन से बैंक के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है वो पार्टनरशिप की गई है साथियों, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 50 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा जो है वो साथियों दी जाएगी। 120 महीने के लिए ये लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने समय के लिए, 120 महीने के लिए लोन की सुविधा जो है वो दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से। एचडीएफसी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा करेक्ट आंसर होगा। 120 महीने के लिए लोन दिया जाएगा, 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से। ई करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आरबीआई ने निदेशकों की ऋण सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी है कितने रुपए की, आरबीआई हैज इंक्रीज्ड लोन लिमिट ऑफ बैंक डायरेक्टर फ्रॉम 25 लाख टू, कितने लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए तक के लोन मिल सकेगा, आरबीआई के बैंकों के जो डायरेक्टर होंगे, बैंकों के जो निदेशक होंगे, उनके लोन की लिमिट को आरबीआई ने कितना कर दिया है। फटाफट जवाब दीजिएगा सभी साथी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इंक्रीज 25 लाख रुपीज से बढ़ाकर जो लोन की लिमिट कर दी है साथियों वो कितनी कर दी है, 5 करोड़ रुपए। कितना कर दिया है, बिल्कुल 5 करोड़ रुपए कर दिए। अब बैंकों के निदेशकों को साथियों बैंक से 5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले इसकी लिमिट जो थी वो कितनी थी, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का लोन बैंक निदेशकों को मिल सकता था। जुलाई में 23 जुलाई 2021 को आरबीआई ने बैंक निदेशकों के लोन की लिमिट को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। तो करेक्ट आंसर होगा ई इज करेक्ट आंसर, इंडियन टाइम, बिल्कुल ई करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किसे एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है, शिवनादर, सी विजय कुमार, श्याम श्रीनिवास, हितेंद्र दवे, विश्वेश्वरी आहूजा। निम्नलिखित में से किसे एचसीएल टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। फटाफट आंसर दीजिए, शिवनादर, सी विजय कुमार, श्याम श्रीनिवास, हितेंद्र दवे या विश्वेश्वरी आहूजा। बिल्कुल, आरबीआई के 25वें जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, एचसीएल टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, नया मैनेजिंग डायरेक्टर सी विजय कुमार को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, सी विजय कुमार को नया मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो एचसीएल का नियुक्त किया गया। शिवनादर जो है साथियों वो
HCL के संस्थापक थे, फाउंडर थे, उनके उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और इस्तीफा दिए जाने के बाद नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सी विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। HCL भारत की टॉप 5 IT सेक्टर की कंपनियों में शामिल की जाती है और भारत की सबसे बड़ी IT सेक्टर की कंपनी को जानते होंगे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत की सबसे बड़ी IT सेक्टर की कंपनी है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड भी भारत की टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जो है वो साथियों शामिल किया जाता है। और इसके संस्थापक थे शिव नादर, जो इतने समय तक MD के पद पर थे, लेकिन जुलाई में इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर पद से साथियों इस्तीफा दे दिया 19 जुलाई को, और उसके बाद में सी विजय कुमार को नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हर साल राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, 23 जुलाई को, 24 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को? फटाफट आंसर दीजिएगा। इंजीनियर्स डे तो प्रतिवर्ष साथियों 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, लेकिन नेशनल थर्मल इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जवाब दीजिएगा 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या 26 जुलाई। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर्स डे, फटाफट जवाब देते जाइएगा। जिन साथियों ने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया वो सेशन को लाइक शेयर भी कर दें एक बार। हर साल राष्ट्रीय थर्मल दिवस प्रतिवर्ष साथियों का मनाया जाता है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को साथियों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय थर्मल्स, नेशनल थर्मल्स इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है, और प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है एम विश्वेश्वरैया की याद में। किसकी याद में? एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया की याद में जो है वो इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 24 जुलाई इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारत में आयकर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इन इंडिया द इनकम टैक्स डे इज सेलिब्रेटेड विच ईयर? फटाफट जवाब दीजिएगा सभी साथी, इनकम टैक्स दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है? आयकर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आयकर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फटाफट जवाब दीजिएगा सभी साथी। आयकर दिवस की अगर बात की जाए साथियों इनकम टैक्स डे की, तो भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस जो है वो भारत में मनाया जाता है। भारत में इनकम टैक्स आयकर की अगर बात करें साथियों, तो आयकर की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? जेम्स विल्सन। नाम सुना होगा सभी साथियों ने जेम्स विल्सन का। जेम्स विल्सन साथियों वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत में इनकम टैक्स आयकर की शुरुआत की थी 1860 में, और जेम्स विल्सन ही वो शख्सियत थे साथियों जिन्होंने भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की थी। बजट प्रणाली को भी किसने शुरू किया था? जेम्स विल्सन ने ही शुरू किया था। जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट प्रणाली का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और जेम्स विल्सन ही वो थे जिन्होंने भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत की थी। तो प्रतिवर्ष 24 जुलाई को भारत में इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, आयकर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के द्वारा। इस साल साथियों 161वां इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया। कौन सा? 161वां। जितेंद्र बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग, आपका भी आज के सेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा जितेंद्र। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रीय माता पिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय माता पिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फोर्थ वेनेसडे ऑफ जुलाई, फोर्थ थर्सडे ऑफ जुलाई, फोर्थ फ्राइडे ऑफ जुलाई, फोर्थ सैटरडे ऑफ जुलाई, फोर्थ संडे ऑफ जुलाई? फटाफट आंसर दीजिएगा। प्रवीण राज बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। राष्ट्रीय माता पिता दिवस प्रतिवर्ष साथियों फोर्थ संडे ऑफ जुलाई, जुलाई के चौथे रविवार को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है पेरेंट्स डे साथियों। इस साल ये दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई को। कब मनाया गया? 25 जुलाई को साथियों इस साल नेशनल पेरेंट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। प्रतिवर्ष ये फोर्थ संडे को जुलाई के चौथे रविवार को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पेरेंट्स डे। 1994 से साथियों प्रतिवर्ष जुलाई के चौथे संडे को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ई इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया इंटरनेशनल फुटबॉल
फुटबॉल फेडरेशन की महिला फुटबॉलर 2020 से नॉमिनेट किया गया है। किसे, किस इंडियन फुटबॉलर को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है? अदिति चौहान, आशा लता देवी को, ओइनम बेमबेम को, नंगोम बाला देवी को, मैमोल रोकी को। नीलिमा ने बाला देवी जवाब दिया। प्रवीण राज, बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों नंगोम बाला देवी को साथियों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के खिताब से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो होगा डी करेक्ट आंसर। यादव विमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता? Who among the following has won India's first medal at Tokyo Olympic? Manu Bhakkar, Mary Kom, Deepika Kumari, Meerabai Chanu या Vinnie Fogart? फटाफट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता? मनु भाकर, MC Mary Kom, दीपिका कुमारी, मीराबाई चानू, Vinnie Fogart। बहुत बहुत स्वागत है दत्ता आपका भी आज के सेशन में। जो साथी पहली बार सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि जुलाई महीने का करंट अफेयर का रिवीजन सेशन अपना ही चल रहा है, इसमें सभी साथी पार्टिसिपेट कीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक में साथियों भारत के लिए पहला पदक जो जीता वो जीता मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता। साथियों मीराबाई चानू ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में भारतोलन में जो है वो पहला पदक जो है वो जीता था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जो है वो मीराबाई चानू ने भारत के लिए साथियों जीता था। वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी थी वो करणम मलेश्वरी जो है वो साथियों पहली महिला खिलाड़ी थी। इस टोक्यो ओलंपिक में भारत ने साथियों कुल 7 मेडल जीते जिसमें 1 गोल्ड मेडल, इसके अलावा 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारतीय टीम ने जीते। और 7 मेडल्स के साथ भारत पॉइंट टैली में साथियों कौन से स्थान पर रहा? 48वें स्थान पर रहा। ये भारत का अब तक का ओलंपिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो रहा। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के लिए पदक जीता। बिल्कुल नीलिमा जी, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी मीराबाई चानू इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यांग कियान ने महिला की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता, यह किस देश की थी? यांग कियांग हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स इन वुमेन 10 मीटर एयर राइफल, सी इज फ्रॉम विच कंट्री? टोक्यो ओलंपिक में लखी जी वो तो पैरालंपिक्स में जीता है, लखी और लवली गर्ल 19 मेडल जो जीते हैं वो टोक्यो पैरालंपिक्स में जीते हैं। हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स की जहां पर भारत ने टोटल जो है वो 7 पदक जीते थे, पैरालंपिक्स में भारत ने 19 पदक जीते हैं। यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जो है वो जीता साथियों, और ये कौन से देश की थी? चाइना की। चाइना की यांग कियांग ने टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक जो है वो जीता। गोल्ड मेडल यांग कियांग को 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में साथियों मिला था। शूटिंग में 24 जुलाई को इन्होंने ये पदक जीतते हुए शुरुआत, 24 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी। 24 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। और इस 32वें ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जो जीता वो किसने जीता? चाइना की यांग कियान ने 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। ई करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में किस देश की नौसेना के साथ 2 दिवसीय द्विपक्षीय मार्ग अभ्यास आयोजित किया? इंडियन नेवी हैज कंडक्ट 2-डे बायलेटरल पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स विच कंट्री नेवी इन बे ऑफ बंगाल? जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, जापान, इटली। फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों। भारत और किस देश के बाद दीजिए पैसेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज साथियों आयोजित की गई बंगाल की खाड़ी में 21 जुलाई 2021 से ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो साथियों आयोजित की गई थी। भारत और किस देश के बीच में यह आयोजित की गई थी? भारत और यूके, ब्रिटेन के बीच में इस मिलिट्री एक्सरसाइज का जो है वो आयोजन किया गया था। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। द इंडियन नेवी टू पार्ट 2 डेज बायलेटरल पैसेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज विद रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सीएसजी नेवल जो
ब्रिटेन की नेवी है, उसका नाम है CSG। इसके अलावा भारत की तरफ से जो है वो साथियों इसमें पार्टिसिपेट जो है वो किया गया था। दोनों देशों के बीच में ये दो दिवसीय मिलिट्री एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में आयोजित की गई, जिसका नाम था पैसेक्स। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 800 साल पुराने रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो है वो साथियों शामिल किया गया है। यह रामाप्पा मंदिर या जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। फटाफट आंसर दीजिएगा। जो साथी पहली बार सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि जुलाई महीने का करंट अफेयर का रिवीजन सेशन अपना मंडे टू फ्राइडे ये सेशन जो है वो चलता है, और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन सेशन, वीकली करंट अफेयर सेशन। तो संडे को अपना करंट अफेयर का रिवीजन सेशन होगा सितंबर महीने का, उसमें सभी साथी जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। साथियों 800 साल पुराने रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना में जो है वो साथियों ये रामाप्पा मंदिर है भगवान शिव का पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर, जिसे रामेश्वर टेम्पल के नाम से भी साथियों जाना जाता है। काफी पुराना है रामेश्वरम टेम्पल। माना जाता है कि 1213 ईस्वी पूर्व से इसका निर्माण जो है वो किया गया था। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें साथियों तो तेलंगाना जो है वो देश का 29वां राज्य था तेलंगाना, और ये 2 जून 2014 को बना था। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री है YSR प्रमुख जगनमोहन रेड्डी। YSR कांग्रेस ने ही साथियों तेलंगाना को अलग राज्य की मांग की थी, और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। तो करेक्ट आंसर होगा बी, तेलंगाना इज करेक्ट आंसर। नीलिमा टाइमिंग यही रहेगा, संडे को भी 6 बजे अपना करंट अफेयर का सेशन होगा, सभी साथी उसमें भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसमें हम सितंबर महीने के करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? जुलाई 2021 में इनमें से किसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? MBS येदुरप्पा, N रंगास्वामी, मिथुवल करुणानिधि स्टालिन, सर्बानंद सोनवाल, पिनाराई विजयन। फटाफट आंसर दीजिएगा सभी साथी। निम्न में से किसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया साथियों? फटाफट आंसर दीजिएगा सभी साथी। नीलिमा ने येदुरप्पा जवाब दिया है, लवली गर्ल ने ए जवाब दिया है। फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एस येदुरप्पा इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों बी एस येदुरप्पा ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए विश्वराज बोम्मई। किसे बनाया गया? विश्वराज बोम्मई को बीजेपी ने कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री जो है वो बना दिया। वर्तमान में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर विश्वराज बोम्मई जो है वो है, और वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत जो है वो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बी एस येदुरप्पा इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सिंगापुर का संसीप समूह है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा 2 बिलियन डॉलर का फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, तैरता हुआ सोलर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा कहां स्थापित किया जा रहा है? फ्लोटिंग सोलर पैनल। साथियों दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है वो कहां स्थापित किया जा रहा है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। 2 बिलियन US डॉलर से इसकी लागत जो है वो संभावित है, और इसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाए तो लगभग 2.2 गीगावाट जो है वो इसकी उत्पादन क्षमता है,
और इसका लागत 2 बिलियन US डॉलर है। ये तैरता हुआ फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है वो होगा सौर ऊर्जा का। रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन या सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान साथियों कौन सा है? चौथा स्थान है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो साथियों स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने भारत में भी आंध्र प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो साथियों स्थापित किया था तैरता हुआ। चौथे स्थान पर आता है भारत ऊर्जा के उत्पादन में, सौर ऊर्जा के उत्पादन में। और पांचवें स्थान पर जो है वो विंड पावर प्रोडक्शन में भारत पांचवें स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इंडोनेशिया इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 22वीं कारगिल विजय दिवस 2021 मनाया गया 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई। फटाफट आंसर दीजिएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा, 22 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को। बिल्कुल, NTPC ने जो है वो स्थापित किया था। इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों 26 जुलाई। क्या होगा? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो है वो साथियों सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष इससे इस दिवस को मनाया जाता है। 22 इस साल 22 साल पूरे हो गए 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लद्दाख कारगिल में जो है वो ये युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया। लगभग 60 दिन जो है वो ये युद्ध चला था और 26 जुलाई को भारत ने इसमें सफलता विजय जो है वो प्राप्त की थी। तो 26 जुलाई को इसमें कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया गया। तो करेक्ट आंसर होगा 26 जुलाई, सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान डिफरेंटली एडेबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मरियप्पन थंगावेलू को, मरियप्पन थंगावेलू, देवेंद्र झाझड़िया, प्रमोद भगत, सिंहराज, वरुण सिंह भाटी। फटाफट आंसर दीजिएगा सभी साथी। दो हजार उन्नीस के लिए भारतीय खेल सम्मान डिफेंडरली एडेबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? फटाफट आंसर दीजिएगा सभी साथी। बिल्कुल, विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला था। इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो होगा प्रमोद भगत। प्रमोद भगत जो पैरा एथलीट खिलाड़ी है साथियों, बैडमिंटन के, किस खेल के हैं? बैडमिंटन पैरा एथलीट खिलाड़ी प्रमोद भगत, जिन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स में भारत के लिए बैडमिंटन में साथियों पदक भी जीता है, इन्हें 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान डिफेंडरली एडेबल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब से सम्मानित किया गया। मरियप्पन थंगावेलू ने भी भारत के लिए पदक जीता साथियों। ये पहले प्रस्तावित ध्वजवाहक थे, लेकिन बाद में टेक चंद को पैरालंपिक्स में जो है वो ध्वजवाहक फ्लैग बियरर बनाया गया था। देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो में भारत के लिए पदक जीता। सिंहराज अधाना की अगर बात करें साथियों, तो सिंहराज अधाना ने भी भारत के लिए पदक जीता राइफल कैटेगरी में, शूटिंग कैटेगरी में इन्होंने भारत के लिए 2 पदक जीते। टोक्यो पैरालंपिक में 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2-2 मेडल जो है वो जीते थे, जिसमें अवनी लेखरा और तो कैडेट्स रेसलिंग चैंपियनशिप। फटाफट आंसर दीजिएगा। रिफ्रेश कर लीजिएगा, लकी बफरिंग कर रहा है। तो निम्न में से किसे 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक का खिताब जीता? दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, प्रिया मलिक, साक्षी मलिक। इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ने साथियों
विश्व कुश्ती कैडेट चैंपियनशिप में भारत के लिए जो है वो गोल्ड मेडल जीता, ये 25 जुलाई 2021 को ये कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया था और इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जो है वो इस कुश्ती चैंपियनशिप में जीता। ये कहां पर आयोजित की गई थी? अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट चैंपियनशिप जो है वो साथियों आयोजित की गई थी। इन्होंने 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता प्रिया मलिक ने। साक्षी मलिक की यहां बात करें साथियों, तो साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला रेसलर है जिन्होंने रेसलिंग में भारत के लिए पदक जीता। रेसलिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका प्रिया मलिक, डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में? फटाफट आंसर दीजिएगा। धोरेवेला को धोलावीरा, धोलावीरा का नाम सुना होगा, धोलेरा जो है वो स्मार्ट सिटी, दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, किस राज्य में स्थित है? 40 यूनेस्को साइट धोलावीरा, बिल्कुल गुजरात का धोलावीरा हड़प्पा शहर जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में साथियों जो है वो शामिल किया गया। धोलावीरा इंडियाज नॉमिनेटेड धोलावीरा द हड़प्पा सिटी इन रन ऑफ कच्छ, कच्छ में जो है वो साथियों ये धोलावीरा स्थित है। कहां पर है? कच्छ, गुजरात कच्छ में जो है वो ये स्थित है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है वो इसे शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, गुजरात इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सरकार ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई को अनुमति दी है। एफडीआई मतलब फिक्स्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआई है उसमें कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन में? रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन में भारत में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है? फटाफट आंसर दीजिएगा सभी साथी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट साथियों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एफडीआई और दूसरा पीएफआई। पीएफआई मींस पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसे एफआईआई के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई की बात करें तो कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी देने की घोषणा की गई है? 100% एफडीआई को मंजूरी देने की घोषणा की गई है। तो एफडीआई की बात करें तो 100% एफडीआई अप्रूवल जो है वो साथियों रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन में भारत में दिया गया है। तो 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। साथ में हाल में सरकार ने बीमा क्षेत्र में भी साथियों एफडीआई में अनुमति को बढ़ा दिया। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% जो है वो की गई थी। रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन में सरकार ने एफडीआई की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? 100% जो है वो कर दिया। रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है साथियों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भारत में सबसे ज्यादा जिस देश से आता है वो कौन सा देश है? सिंगापुर से भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। और पीएफआई में सबसे ज्यादा निवेश कौन से देश से आता है? मॉरिशस से। कौन से देश से? मॉरिशस से भारत में सबसे ज्यादा निवेश आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ई, 100% इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस देश ने मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी 2021 नामक एक उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? विच कंट्री हैज होस्टेड ए हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी 2021? इजिप्ट, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यूएसए, टर्की? फटाफट आंसर दीजिएगा सभी साथी। मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी 2021 इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों मध्य एशिया का उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल नीलिमा सही जवाब है। उज्बेकिस्तान मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी 2021 नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान में साथियों ये मीटिंग जो है वो आयोजित की गई जिसमें दुनिया भर के 40 देशों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। 40 देश और
30 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो हिस्सा लिया जो उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज ने कटलेश एक्सप्रेस 2021 में अभ्यास में हिस्सा लिया? निम्न में से किस भारतीय नौसेना जहाज ने कटलेश एक्सप्रेस में जो है वो हिस्सा लिया? आईएनएस तलवार ने, आईएनएस त्रिशूल ने, आईएनएस अरिवत ने, आईएनएस गोमती ने, आईएनएस तर्कस ने। रिफ्रेश कर लीजिएगा, बफरिंग की समस्या आ रही है तो रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से किस नौसेना जहाज ने आईएनएस कटलेश में जो है वो हिस्सा लिया, एक्सप्रेस में हिस्सा लिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन नेवल शिप तलवार जो है इसने जातियों पार्टिसिपेट किया था कटलेश मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कटलेश मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आयोजित की गई 26 जुलाई 2021 से। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन जो है वो किया गया था 6 अगस्त 2021 तक। 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 के मध्य ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो साथियों आयोजित की गई थी। कहां पर? ईस्ट कोस्ट अफ्रीका में। कहां पर आयोजन हुआ था? ईस्ट कोस्ट अफ्रीका में जो है वो इसका आयोजन, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन जो है वो किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ए, आईएनएस तलवार इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी साथियों को? 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के मध्य ईस्ट कोस्ट अफ्रीका में इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन जो है वो साथियों किया गया था। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के बीच में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया? केयर्स रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड इंडियन जीडीपी ग्रोथ बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2020 4.9%, 5.2%, 6.1 से 4.4%, 7.3% से 7.7%। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है? फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, केयर रेटिंग्स जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसने भारत की आर्थिक विकास दर 8.8% से 9% रहने का अनुमान लगाया। कितना? 8.8% से 9% रहने का अनुमान लगाया। दुनिया की जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है साथियों, उन्होंने भारत की आर्थिक विकास ये वित्त वर्ष 2021-22 में 9% से ज्यादा रहने का अनुमान जो है वो सभी ने लगाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8.8% से 9% तक भारत की आर्थिक विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रह सकती है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस साथियों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? किसकी लिस्ट चाहिए भाई? बिल्कुल डेली बेसिस पर, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, जिस रेटिंग्स, अच्छा बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल इंडियन टाइम। मंडे टू फ्राइडे अपना सेशन जो है वो ये चलता है और संडे को रिवीजन सेशन चलता है। संडे को तो हम जिस महीने का करंट अफेयर है सितंबर महीने का रिवीजन पे डिस्कस करेंगे, वीकली रिवीजन। और मंडे टू फ्राइडे अभी जुलाई महीने का करंट अफेयर रिवीजन सेशन चल रहा है, उसके बाद अगस्त महीने का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस साथियों प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 27 जुलाई को। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल 83वां स्थापना दिवस जो है वो साथियों मनाया गया था। इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म फोर्स जो सीआरपीएफ है, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो आती है, इसकी स्थापना जो है वो साथियों हुई थी 27 जुलाई 1939। 27 जुलाई 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए 27 जुलाई को प्रतिवर्ष इसका स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और भारत का सबसे बड़ा आर्म फोर्स है सीआरपीएफ। 27 जुलाई डी इज करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए? प्रंजेश गुणेश्वर, शशि कुमार मुकुंद, सोमदेव देववर्मन, सुमित नागल, युकी भांबरी। फटाफट आंसर दीजिएगा, निम्न में से ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाले। निम्न में से ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सुमित नांगल। कौन है? सुमित नांगल इसका करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं सुमित नांगल। साथियों, इन्होंने 25 वर्ष की आयु में जो है वो ये टेनिस मुकाबला जो है वो जीतकर इतिहास रचा। हालांकि पदक जो है वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन इन्होंने मैच जरूर जीता। ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी है, पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 1988 में टेनिस में एकल मैच जो है वो साथियों जीता था, उसका नाम था जिशन अली। जिशन अली पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक खेलों में टेनिस में सिंगल्स मैच जीता था। इसके बाद लिएटर पेस ने भी साथियों 1996 में टेनिस का मुकाबला जो है वो जीता लिएटर पेस ने। तो 25 सालों के बाद कोई भारतीय खिलाड़ी है जो ओलंपिक खेलों में टेनिस में सिंगल्स मैच जो है वो जीत पाया है, और वह है सुमित नांगल। डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उस 13 वर्षीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो अब तक की सबसे कम उम्र में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बन गई। मॉर्जरी गैस्ट्रिंग, मोमेजी निसिया, लवलीना बोरगोइन, इलियड किपचोंग या ग्यांग कियान। फटाफट आंसर दीजिएगा, उस 13 वर्षीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सबसे कम उम्र में ओलंपिक खेलों में पदक जीता। किशन चौहान बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों ने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दे भाई। डेली बेसिस पर शाम को 6 बजे अपना सेशन ये चलता है, मंडे टू फ्राइडे। मोमिज निशियांस फ्रॉम जापान, बिल्कुल करेक्ट आंसर है नीलिमा, बिल्कुल सही जवाब है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो होगा मोमिजी निसिया फ्रॉम जापान। 13 साल की लड़की, इसने साथियों ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जो है वो जीतने का रिकॉर्ड बनाया। स्केटबोर्डर में साथियों इन्होंने पदक जीता। स्केटबोर्ड में इन्होंने भारत के लिए जापान के लिए, कौन से देश की खिलाड़ी है? जापान की खिलाड़ी है। इस बार 4 नए खेल जो है वो ओलंपिक खेलों में साथियों शामिल हुए थे, जिसमें स्केटबोर्डर जो है वो शामिल था। इसके अलावा स्केटबोर्डर जो है वो इसमें शामिल था। इसके अलावा सफरिंग शामिल था। सफरिंग के अलावा अगर बात करें साथियों तो जो मार्शल आर्ट है उसे शामिल किया गया था, और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो है वो शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किस सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरन्या योजना को शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द देवरन्या स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेद? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम, उड़ीसा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरन्या योजना को शुरू किया। बिल्कुल, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की वापसी हुई थी। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की तो वापसी हुई थी। विक्रांत कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत है। किशन, बेसबॉल सॉफ्टबॉल की जो है वो वापसी हुई थी। जो नए खेल शामिल हुए थे वो 4 नए खेल जिनके नाम मैंने आपको बताए, स्केटबोर्डर, सफरिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और मार्शल आर्ट कराटे, ये शामिल जो है वो हुए थे नए खेल। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, किस राज्य में आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने के लिए देवरन्य योजना को जो है वो साथियों शुरू किया गया, वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत साथियों देवरन्या योजना आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से जो है वो शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो है वो इसकी घोषणा की। वर्तमान में देश के आयुष मंत्री जो केंद्रीय आयुष मंत्री है वो है सर्वानंद सोनवाल। कौन है? सर्वानंद सोनवाल, जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सर्वानंद सोनवाल वो वर्तमान में देश के आयुष मंत्री है, और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने आयुष आपके द्वार योजना को भी साथियों शुरू किया हुआ है। और उस आयुष आपके द्वार योजना के तहत
द्वार योजना के तहत सरकार ने 75 लाख घरों तक जो है वो औषधीय पौधे पहुंचाने का लक्ष्य रखा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश देवरण्य योजना जो आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से शुरू की गई। करेक्ट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा शहर सुजल परियोजना के तहत 24/7 गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू अचीव 24/7 क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अंडर सुजल प्रोजेक्ट। पुरी, भुवनेश्वर, पटना, मुंबई, वडोदरा। कौन सा शहर सुजल परियोजना, बिल्कुल टैप वाटर, ड्रिंकिंग टैप वाटर का जो टारगेट है साथियों उसकी अगर बात की जाए तो ड्रिंकिंग टैप वाटर उड़ीसा के पुरी जिले में, उड़ीसा के पुरी शहर में भारत का पहला शहर जिसने सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति टैप वाटर नल का पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य था उसे पूरा किया। तो पूरी शहर जो है उसमें 24/7 क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने वाला भारत का पहला शहर जो है वो साथियों बन गया है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा सरकार ने साथियों भारतीय हॉकी टीम को भी 10 साल तक जो है वो स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। 10 साल तक भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। इसकी घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। रेसलिंग को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो स्पॉन्सर करने का कार्य साथियों किया जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की अगर बात करें तो भुवनेश्वर देश का पहला शहर है जहां पर 100% वैक्सीनेशन जो है वो किया गया है। 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर है साथियों, और पहला गांव उत्तर प्रदेश के बांदीपुर जिले का व्यान गांव जो है वो देश का पहला गांव है जहां पर 100% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो वैक्सीनेशन वाला गांव व्यान गांव। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारत में रिकॉर्ड 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करके जो है वो एक महा रिकॉर्ड साथियों स्थापित कर लिया है। एक ही दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। बहुत से देश होंगे जिनकी आबादी नहीं होती होगी 2 करोड़, और भारत में एक ही दिन में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करके एक नया रिकॉर्ड आज स्थापित कर दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा पूरी, उड़ीसा के पूरी जिले शहर में 100% क्वालिटी वाटर सप्लाई 24/7। अगले क्वेश्चन का आंसर, तो आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं विकास भास्कर आप सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेशन पसंद आया तो सभी साथी सेशन को लाइक करके जाइएगा, सेशन को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जब भी इस क्लास को शेयर करें तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप मुझसे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। क्लास को अनलॉक करने के लिए भास्कर BHASKR भास्कर 09 रेफरल कोड यूज करके आप मुझसे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, और इससे किसी भी कोर्स को लेने पर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और 10% तक कॉइन रिडीम भी आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं विकास भास्कर आप सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं। मंडे टू फ्राइडे अपना ये सेशन रोज शाम को जो है वो 6 बजे चलता है, सभी साथी मंडे टू फ्राइडे के इस सेशन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और संडे को होता है रिविजन सेशन, तो संडे शाम को 6 बजे सभी साथी रिविजन सेशन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, जिसमें हम सेप्टेम्बर महीने के करंट अफेयर पर रिविजन जो है वो सेशन पे डिस्कस करेंगे। तो संडे शाम को 6 बजे सभी साथी जरूर इस सेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, जिसमें सितंबर महीने का रिवीजन सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विद एन अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।